मेरे हिसाब से ये है कि जितनी आप यूनिक करियर पाथ चूज करेंगे उसमें सक्सेस होने के और पॉपुलर और फेम होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से हमें लास्ट एंड रिजल्ट या गोल देखना चाहिए, और इन सब मोटी अगर वो हम लोग गोल देखेंगे तो ये डीमोटिवेटिंग फैक्टर अपने आप स्वीप असाइड हो जाएंगे। इस UPSC के एग्ज़ाम के पहले भी वो उसको टाइफाइड हो गया था। 20 डेज तो उसके वो 10 डेज तो हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया था। स्वागत है दर्शक को आपका यूमा टेलीविजन के शो में। मैं हूं वैभव ठक्कर, आपका होस्ट। हम आज एक ऐसा इंसान से मिलने जा रहे हैं जो कि UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी उन्होंने सिर्फ 5 महीने में तैयारी करी है और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ली है। तो उनका नाम है मिरांत परिंग, मिलते हैं, आइए उनसे। तो ये UPSC के एग्ज़ाम है, ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आप दिन में कितना घंटे पढ़ते थे? ऐसा दिन में कितने आवर्स स्टडी थी वो फिक्स तो नहीं था, पर फिर भी मैं ये मेंटेन करता था और इतना जनरली स्टडी होती थी कि मैं 12 से 13 घंटे रोज़ पढ़ाई कर लेता था। तो हम मिरांत परिक से पूछना चाहते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप मेरी इंस्पिरेशन थे। उन्होंने मुझे पहले से ही इस एग्ज़ामिनेशन के लिए सपोर्ट किया था, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन ऐसी है कि इसमें सक्सेस से ज़्यादा फेलियर के स्कोप और चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने मुझे पूरी जर्नी में सपोर्ट किया था, तो मैं उन्हीं को अपना इंस्पिरेशन मानूँ। मीरान जो अभी UPSC क्लियर किया है, IAS में उसकी सिलेक्शन हुई है, उसके बारे में एक मदर की तरफ से मैं कुछ मीरान का बचपन का एक किस्सा मैं आपके सामने लाती हूँ। वो 8th स्टैंडर्ड में जब था तब तक तो बहुत पुअर था। उसकी मैथ्स में वो फर्स्ट एग्ज़ाम में तो उसका 48 ही मार्क्स आया था। हम दोनों MGVCL में है और इंजीनियर्स हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि समाज में क्या बताएंगे, हम दोनों इंजीनियर हैं और लड़का कुछ नहीं कर रहा है। बाद में मुझे वो बड़ोड़ा हाई स्कूल के मैथ्स के टीचर ब्रह्मभट्ट सब मिले, उसको मैं मिलने गई और उन्होंने काफ़ी मुझे इंस्पिरेशन दिया कि मैं उसको ठीक कर दूँगी, आप वहाँ भेज दो मेरे पास। और उसके बाद जो उसकी गाड़ी इतनी ठिकाने आ गई कि 10th में भी वो 90 लाए मार्क्स लाए, बाद में 12th में 91 उसके आए और आगे कुछ आगे अच्छी तरह वो निकल गया। 7th और 8th ग्रेड में मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा डिप हुआ था। उसके बाद 9th स्टैंडर्ड में मेरे जो एक सर थे उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि पहले से ही मेरा सोशल साइंस और GK स्ट्रांग था, तो वो मुझे सोशल साइंस और GK के क्वेश्चन से मोटिवेट करके मैथ्स और साइंस सिखा देते, तो उसकी वजह से मेरा ओवरऑल होलिस्टिकली सारे सब्जेक्ट्स में स्कोर अच्छा रहा। उसकी वजह से मैंने 10th में भी 90% स्कोर किया और उसके बाद 12th में भी 91% स्कोर करके मुझे निर्मा में एडमिशन मिला। मैंने निर्मा 2010 में ज्वाइन किया था 12th स्टैंडर्ड के बाद, और मैंने 2014 में ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट किया। मैं लकी था कि मुझे वहाँ ग्रुप बहुत ही सही मिला था। हम लोगों का एक क्विजिंग का ग्रुप था जो हम लोग क्विजेज ऑर्गेनाइज किया करते थे। वहाँ पे एक क्विजिंग सर्किट हुआ करता था विच यूज़ टू कंसिस्ट निर्मा DICT कॉलेज है, GNLU कॉलेज, IIM अहमदाबाद है। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे डिवर्स बैकग्राउंड के लोगों से, हाई इंटेलेक्चुअल लेवल वाले लोगों से मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला था। इसकी वजह से एक मोटिवेशनल फैक्टर, एक इंस्पिरेशनल फैक्टर तभी से था कि अगर हायर लेवल के लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो हमें भी वो इंस्पिरेशन मिलती है कि वी शुड रीच देयर लेवल। तो उसकी वजह से वहाँ पे अच्छा ग्रुप था। मुझे काफ़ी हद तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं मिला कि उन्होंने ऐसा बोला हो कि यू आर समथिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड, तो मुझे वो दिक्कत नहीं आई थी कॉलेज में। कभी कभार वो होता है कि आपको आइसोलेट करते हैं, तो मुझे ग्रुप वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिला था। उसकी वजह से मैं उनको भी श्रेय देना चाहूँगा कि उनकी वजह से भी एक मुझे सपोर्ट सिस्टम मिला था ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और एफिशिएंटली क्लियर करने के लिए। जब से मीरा निर्मा यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था तभी फाइनल ईयर में उसका फोर्ड इंडिया कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था। फोर्ड इंडिया कंपनी इज अ MNC कंपनी, ही इज़ गोइंग गिविंग वेरी गुड सैलरी टू इज एम्प्लॉय। तब हमने फोर्ड इंडिया ज्वाइन तो कर दिया था, पर उसका इंक्लिनेशन तो IAS करना ही था, तो हम थोड़ा डायलेमे में था कि वेदर वी विल ज्वाइन फॉर IAS और नॉट। देन वी हैव टेकन द एडवाइस फ्रॉम द आवर साइकोलॉजी मिस्टर मुकेश दलाल एंड सीनियर IAS ऑफिसर
एंड आफ्टर दैट वी हैव डिसाइडेड टू मूव टू आईएएस। सबसे पहले तो मीराज भाई को बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने आईएएस में 67th रैंक ऑल इंडिया लेवल पे अचीव किया है। गुजरात में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, गुजरात के लोग ऐसे ही कम ही आईएएस बनते हैं, उसमें भी इन्होंने बिलो 100 आने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। प्रथम ही ट्राई में इन्होंने ये अचीवमेंट कर लिया है। ये अपने आप में बहुत दृढ़ निश्चय थे पहले से ही कि मुझे आईएएस बनना है। मैं तो इनको बहुत पहले से बचपन से जानता हूँ, इनके फादर और मदर मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, हम 1985 से एक दूसरे को हम सबको जानते हैं, हम सब साथ में एक व्यारा में नौकरी किया करते थे जीईबी में, तब जीईबी हुआ करता था। मीरा पहले से ही पढ़ने में तो काफ़ी अच्छा था ही, नहीं कह सकते कि बहुत ब्रिलियंट ऐसा नहीं, मगर काफ़ी अच्छा था। और उसकी एक अच्छी चीज़ ये मैंने देखी थी बचपन से, वो जिस चीज़ के बारे में सोचता था उसको कम्प्लीट करता था। इंजीनियरिंग करने के बाद आईएएस करना एक डिफरेंट थिंग है, उसने 2 साल सर्विस भी किया, उसके बाद उसके मन में पहले से एक इच्छा थी, शायद 3rd ईयर से ही उसने सोचा था, 2nd ईयर से इंजीनियरिंग में, कि मेरे को आईएएस करना है, और उसने वो करके दिखाया, इसके लिए उसको बहुत बहुत बधाई। बाद में हमने स्पीपा ज्वाइन किया, स्पीपा एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो उसमें उन्होंने प्रीलिम एग्जाम इमीडिएटली 1 ईयर में क्लियर कर दिया। फिर मैंने अगेन आई हैव टेकन द एडवाइस फ्रॉम द सीनियर आईएएस ऑफ दे हैव एडवाइस मी टू शिफ्ट टू दिल्ली, देन इमीडिएटली वी हैव शिफ्टेड टू दिल्ली। नाउ फर्स्ट पॉइंट फॉर दिल्ली इज वी हैव टू गिव हिम ऑल फैसिलिटीज, लॉजिंग फैसिलिटीज, बोर्डिंग फैसिलिटीज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज एंड ऑल अदर ट्यूटोरियल फैसिलिटीज, एंड वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द फैसिलिटीज वॉट ही नीडेड फॉर, एंड द रिजल्ट यू कैन सी फ्रॉम बाई बिकमिंग हिम एज आईएएस। सर क्योंकि मैं बड़ौदा में नहीं रहता था, मैं तब अहमदाबाद और दिल्ली चला गया था, तो मैंने तब सोशल मीडिया से आइसोलेटेड हो गया था, मैंने सोशल मीडिया में यूज़ नहीं करता था, ना ही कोई फंक्शन में जाता था, क्योंकि फंक्शंस में टाइम वेस्ट होता है, कभी कभार किसी से कुछ बातें हो गई तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी रहता है दिमाग पे, तो मैंने सोचा था कि जितना इन सब चीज़ों से आइसोलेट होंगे उतना बेटर। पर हमारा वो सपोर्ट पूरा था फैमिली से, तो वो वहाँ भी निकल गया और वापस दिल्ली चला गया और UPSC एकदम टाइम से क्लियर कर दिया उन्होंने, वो हमारे लिए वो परिवार में खुशी की बात है। मेरी मम्मी टीचर थी सोशल साइंस की, उसका भी उसको ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला है, आज वो जगत में तो नहीं है लेकिन वो जो होती तो बहुत खुश होती। वो मेरे फादर भी है 90 इयर्स ओल्ड है, वो भी बहुत खुश है वो उसकी UPSC जो IAS क्लियर किया है उसके बारे में। मैं पेरेंट्स को इस बारे में एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आपका चाइल्ड कुछ स्ट्रीम या कुछ फैकल्टी के लिए कुछ बोले तो उनको तुरंत ना मत कहिएगा, आपको इनकी जो लाइकिंग है शायद पसंद ना आए तो उसके एक्सपर्ट और किसी अच्छे आदमी के साथ उसका काउंसलिंग कराइए बाद में या कुछ डिसीजन लेके, क्योंकि हर फील्ड में पेरेंट्स तो माहिर नहीं होते हैं, तो फिर वो डिसीजन बाद में लिया तो इसके लिए अच्छा रहेगा। और स्टूडेंट के पास बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं, जब तक हम अपने पुत्र या पुत्री को पूरी तरह से पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसका पोटेंशियल का कुछ पता नहीं चले। और एट द सेम टाइम पेरेंट्स हैव टू सेक्रीफाइस फॉर देयर फेसबुक and the social liabilities and other engagement to cope up his son या daughter for the further कि गुजरात में जो क्लियर करने का रेशियो है ये एग्ज़ाम वो बहुत ही कम है, नॉर्थ इंडिया से काफ़ी सारे लोग ये एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं पर गुजरात में अवेयरनेस कम होने की वजह से आज भी स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर इन्फॉर्मेशन है तो बहुत लेट मिलती है ताकि वो उसकी होलिस्टिक प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। तो मैं एक मैसेज ये सेंड करना चाहूँगा कि जो टेक्सचुअल नॉलेज है उसके बाहर भी गुजरात के स्टूडेंट्स कुछ और पढ़ने की पहल करनी चाहिए, जैसे कि न्यूज़पेपर रीडिंग है वो रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग होनी चाहिए, उसके अलावा कोई नॉवेल्स है, कोई अलग बायोग्राफीज़ है, तो इसकी वजह से एक होराइजन और पर्स्पेक्टिव ब्रॉडन होता है, उसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स का बेस होता है जिसकी वजह से एग्ज़ाम इजीली वो क्लियर कर सकते हैं जब वो डेडिकेटेडली इसकी प्रिपरेशन करना चाहे, तो उसकी वजह से एक होलिस्टिक प्लेटफॉर्म और होलिस्टिक पर्सनालिटी जो बिल्टअप होती है वो ऐसा नहीं है कि 5 महीने में ही बिल्टअप होती है, क्योंकि मैंने इसकी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू की थी, डेडिकेटेडली नहीं पर एक प्लेटफॉर्म मैंने बेस क्रिएट किया था उसकी वजह से मैं एग्ज़ाम 5 महीने में क्लियर कर पाया। तो गुजरात के स्टूडेंट्स इसके बारे में एक अवेयरनेस अपने अंदर जनरेट करें और इसकी प्रिपरेशन काफ़ी अर्ली स्टेज से शुरू करें, यही मेरा एक मैसेज है गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए।